Assalamu alaikum everyone hope everyone is doing great okay today we will uh, start our new course of water supply and wastewater management and the course code will be CT274 it's actually a course or a subject for the civil engineering students of fourth semester of karakoram International University so actually this is a Basically, a course for B.Tech civil engineer students. So we are not going to study this course in depth. However, we will obviously we will cover the basics and important topics in round about 32 lectures in 16 weeks. So this is our first lecture. This is introductory lecture. In in this we will introduce the course is its content. Then the objectives of the course, what will be the outcome of the course? So, this is what we are going to study in this introductory lecture. So, let's start. So, basically, this is our first lecture, first week, first lecture. So, the course aims, course ke aims, objectives, or goals, me student there मतलब इस कोर्स को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट जो नॉलेज गेन करेगा उसके जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर पहला हमारा ये है कि वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा स्टूडेंट्स विल कम टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स बेसिक वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा एम होगा स्टूडेंट्स इससे सीख लें वो ये है कि डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स सही हो गया वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स हैं उनकी डिजाइनिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये दो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के सो आउटकम्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें सीख पाएंगे और उसमें जो है ये इस स्लाइड में लिस्ट बनाया हुआ है पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में पता चलेगा स्टूडेंट्स को और वाटर सप्लाई डिज़ाइनिंग ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट टॉपिक और वाटर क्वालिटी की मोनिटरिंग और सैम्पलिंग करना और वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में दीज आर दी आउटकम्स और कोर्स कंटेंट हमारा जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड से लेकिन हमारा जो अभी ये पहला लेक्चर जो होगा इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन जो देंगे इसमें हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बेसिक टच देंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम लोग ऑब्वियसली पूरे कोर्सिस में पूरे कोर्सेज में हमारा जो रिलेशन या ताल्लुक होगा वाटर के साथ होगा लेकिन वाटर से पहले हम हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर दो चीजें और आती हैं आपका एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये तीन चीजें होती है इसमें हम एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर थोड़ा सा टच देंगे लेकिन आगे सारे लेक्चर्स हमारे वाटर से रेलिवेंट ही होंगे तो कोर्स कंटेंट हमारा जो होगा वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स होंगे ऑफ वाटर कंजम्पशन ठीक हो गया वाटर की कितनी कंजम्पशन कंजम्पन जिसके एस्टिमेशन के बारे में लेक्चर्स होंगी फिर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में वाटर ट्रीटमेंट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनिस्पल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में वो कैसे ऑपरेट करती हैं और जाहिर सी बात है एनईक्यूएस नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और वाटर सप्लाई एंड सेवेज सेवेज के जो एपरटेंसिस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा बेसिक कंटेंट होगा जिसको हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे और हमारे थर्टी टू लेक्चर होंगे कवर होंगी तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इसमें एक्चुअली ये हम लोगों ने यूनिवर्सिटी हमारे जो है उनको स्टूडेंट्स के लिए कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ था तो उसमें मैंने कंडक्ट ऑफ कोर्स को इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ था इसमें एक हमारे थ्योरी के भी सब्जेक्ट है एक दो क्रेडिट और का और हमारा लैब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके दो क्रेडिट और हैं हमारे प्रैक्टिकल्स तो उसकी जो ग्रेडिंग या मार्किंग जो उस होंगी उसको मैंने इस तरह डिवाइड किया व थियोरी के लिए मैंने क्विज़ रखे हुए ट्वेंटी परसेंट के प्रोजेक्ट यानमेंट्स टेन परसेंट के मिड टर्म एग्जाम्स होंगे थर्ड परसेंट के एंड एट एंड ऑफ दिस सेमिस्टर देयर विल फाइनल एग्जाम जो कि फोर्टी परसेंट का होगा तो इन चीज़ों में खैर चेंजिंग आ सकती है अगर स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी के तो इसमें चेंजेस आ सकती हैं दिस इज नॉट अ फाइनल थिंग और प्रैक्टिकल में जो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक डिवीज़न की उसमें लेब वर्क एंड मैनुअल के 60 परसेंट रखें अटेंडेंस के 10 परसेंट रखें हैं और फाइनल जो वाइवा होगा उसके 30 परसेंट नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली कोई भी कोर्स होता है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी वार्निंग देनी लाजमी पड़ती है अब इसमें जो है कोई आप असाइनमेंट वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे होते हैं एक दूसरे से या फिर अपना इनपुट पूरा नहीं देते हैं या फिर ये सारी चीजें होती हैं कॉपी राइट के इश्यूज होना किसी और से कॉपी करना ये सारी चीजें होती हैं तो इसमें उनको थोड़ा बाउंड करने के लिए ये है कि स्टूडेंट्स जो होंगे अगर आ, अपना क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर वो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं लेकिन अपना काम खुद ही सबमिट करेंगे देर वर्क शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स और नो कॉपिंग ऑबियस और जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगा अगर कोई चीटिंग पेनल्टी का मतलब ये है कि आपके मार्क्स में डिडक्शन हो सकती है और अटेंडेंस सेवेंटी फाइव एटी परसेंट रखना लाजमी होता है ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के ये रूल्स होती हैं तो इसके अंदर इसमें जो एक रेकमेंडेड बुक है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का ये एक बुक मैंने रेफर किया हुआ है इसको आप देख लें इसके अलावा भी बुक्स हैं जो केमिंग क्लासेस में मैं रेफर रेफर कर लूंगा रेकमेंड करूंगा अगर पढ़ना चाहें तो इसके अंदर इस बुक के अंदर काफी चीजें बेसिक काफी अच्छी तरह से सिखाई गई हैं तो मेरे हिसाब से ये बुक रिकमेंडेड है बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक के तो इस मॉड्यूल वन में हम लोग ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर इसके अंदर इंट्रोडक्शन देंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स के तो लेट्स स्टार्ट विद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे मैंने पहले कहा कि हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को थोड़ा टच करते हुए जाएंगे फिर एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन एंड देन वाटर पोल्यूशन का

Public health and welfare, इन तीन चीजों के protection और enhancement के 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 और और लिए जो जो होंगी जिस करेंगे करेंगे उस या जिस method के करेंगे, उसको कहते हैं हमारा एनिमल्स लाइफ ये सारे मिल के हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है उसका वर्थ

तो एनी कंडीशन और सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज दैट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन या नेचर की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपकी एनवायरनमेंट की क्वालिटी पे कोई बुरा असर पर, बुरा असर पड़ता है ठीक हो गया तो उसको हम पोल्यूशन के डेफिनेशन में लेते हैं तो अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं जैसे एग्जांपल गिवन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आपका प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू द वाटर बॉडीज और कटिंग ट्रीज और भी हो सकती हैं जिनकी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं तो ये आप इनकी वजह से पोलूशन हो रहा होता है और नेचुरल एक्टिविटीज़ में आपका एग्जाम्पल गिवन है कि वालकनिक जैसे फॉर एग्जाम्पल वालकैनिकरप्शन होता है तो उससे क्या होता है आपके डस्ट पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एस ओ टू जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स एनिमल्स ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं तो अब मेजर सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अब इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन आपकी जो होती है उसके अंदर मेजर जो सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ज्यादा आपका ज्यादा परसेंटेज जो कवर कर रही होती है वो आपका म्यूनसिपल सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं और एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं म्यूनसिपल में आपको एग्जाम्पल्स गिवन है डोमेस्टिक सेवेज और सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल सोर्सेज में हैवी मेटल्स हैं एसिड्स एंड अल्कलीज कोलिंग वाटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स

पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि मतलब पोल्यूशन ऑफ वाटर वाटर अगर पोल्यूट हो जाए आपका पानी गंदा हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं आपका एयर हवा गंदा हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और लैंड अगर आपका पोल्यूट हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स तो लेट्स स्टार्ट विद पोल्यूशन ऑफ वाटर देन वी विल गो टू पोल्यूशन 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 ऑफ ऑफ एयर एंड लैंड इसमें हम वाटर का जो है पूरे हमारे कोर्स में इससे रिलेटेड हमारे लेक्चर्स होंगे बाकी इन का भी सम इसी फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे बाकी उसके बाद इनसे हमारा रिलेशन नहीं होगा इतना तो एयर पोल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन अब अगर ले लें तो इट रेफर्स टू सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन कंसनट्रेशन हाई इनफ टू हार्म ह्यूमन एनिमल प्लांट अब आपके एटमोसफियर के आप के हवा के अंदर या एटमोसफियर के अंदर जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ह्यूमन को एनिमल प्लांट्स या दूसरे मटेरियल्स के लिए हार्मफुल हो वो ठीक वजह से आपका एयर पोल्यूट होता है ठीक हो गया वी कैन डिफाइन एयर पोल्यूशन एज दिस और इसके सोर्सेस क्या होते हैं किन वजह से ये आपका एयर पोल्यूट होता है एयर पोल्यूट होने के जो आपके सोर्सेज है एक तो नेचुरल होते हैं एक एंथ्रो पॉलिनिक होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं और ये दो होती हैं नेचुरल में आप नेचुरल का एग्जांपल दिया हुआ है स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एक एग्जांपल ये है कि आपके अगर जंगल में आग लग जाती है उसकी वजह से स्मोक जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से आपका एयर पोल्यूट होगा फिर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन आपकी सिटीज के अंदर अर्बनाइजेशन आप आपकी सिटी की डेवलपमेंट एग्जाम जल्दी होता है आबादी बढ़ जाती है इंडस्ट्रीज बन जाती हैं तो इसकी वजह से जो होंगी चीज़ें तो उससे भी आपका एयर पोल्यूशन होगा आपका एयर इफेक्ट होगा जाहिर सी बात है आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे गाड़ियाँ बहुत सारी होंगी तो उससे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जनरेट होंगे ना तो <coughs> मेजर एयर पोल्यूटेंट्स अब एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनमें वो ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आपका एयर पोल्यूट होता है तो उसमें इंक्लूड है आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और दूसरे जो हैवी मेटल्स जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होती है। तो एक हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोलूटेंट्स के एयर पोलूटेंट्स के और जो मेजर सोर्सेज एयर पोल्यूशन के जनरेशन में तो वो है मोटर व्हीकल्स आपके इंडस्ट्रीज हैं आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई गेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स तो जब एयर पोल्यूट होता है आपका हवा गंदा हो जाता है पोल्यूशन होती है आलूदगी होती है तो उससे क्या होता है उससे उसके इफेक्ट्स उसके असरा ये होते हैं कि आप ह्यूमन बींग के अंदर उसकी उनके आइज़ के अंदर इरीटेशन स्टार्ट हो जाती है इनफ्लमेशन और रिस्पायरेटरी ट्रैक्स सांस के मसले पैदा हो सकते हैं इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है तो और ये एयर पोल्यूशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है लॉन्ग टर्म इसका एक्सपोजर रहे तो इसमें फिर आपको कैंसर की बीमारियां होती है, हो की हैं अस्थमा की हो आपके फेफड़े जो है उनके अंदर इंफेक्शन होना ये सारी बीमारियां हो गई ठीक हो गया और इससे आपका जो इससे प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं और रिवर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहती हैं या फिर एनिमल्स रहती हैं या फिशेस वगैरह जो हैं लेक्स के अंदर रिवर के अंदर उनको भी अफेक्ट करता है ठीक हो गया एयर पोल्यूशन में रिजल्ट इन एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स

को यूज करेंगे तो फिर उससे प्लांट्स का ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकता है उसकी आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है तो एयर पोल्यूशन का जो है इफेक्ट सिर्फ ह्यूमन पे नहीं है प्लांट्स पे भी है एनिमल्स पे भी है जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन पे भी है तो एयर पोल्यूशन के जो एन ई क्यूएस कहते हैं ये होता है आपका नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं तो इन लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं एनई क्यूएस जो आपका स्टैंडर्ड्स <coughs> डिफाइन करने की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अकॉर्डिंग टू एनी की मोटर व्हीकल्स एग्जॉस्ट स्मोक जो है शुड नॉट बी शुड नॉट बी मोर देन 40 परसेंट और ऑन द रिंग मैन स्केल एक ये रिंग मैन स्केल है जिसके ऊपर आपकी इसकी मेजरमेंट होती है तो स्केल के ऊपर 40 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन जो है, उसका स्टैंडर्ड 4.5 परसेंट रखा है न्यू कार्स के लिए आपके अगर व्हीकल न्यू है तो 4.5 परसेंट होने चाहिए अगर व्हीकल्स यूज्ड है ओल्ड तो तो है के जो इन लोगों ने डिफाइंड किए नेक्स्ट आता है हमारा नॉइस एयर तो हम लोगों ने डिस्कस किया अगर नौाइस। नौाइस का अगर करें तो डिसबल और लाउड मतलब साउंड जो आम हम कहते हैं ना आवाज लेकिन वही आवाज अगर आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज या ज्यादा ऊंची हो जाती है तो उसी साउंड को हम नॉइस कहते हैं डिस्टर्बिंग जो होती है उसको नॉइस कहते हैं ठीक हो गया इस नॉइस जब साउंड अब जब आपका ज्यादा होता है जिसको हम नॉइस कहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है आपकी फिजियोलॉजिकल हार्म इससे काफी जनरेट होती हैं ठीक हो गया इसका हम पीछे जिक्र भी कर लेंगे कि फिजियोलॉजिकल हार्म्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं लेकिन हम नॉइस को मेयर करने के यूनिट्स का पहला जिक्र करते हैं तो इसमें जो यूनिट्स हमारी होती हैं नॉइस को मेयर करने के लिए उसको हम कहते हैं डेसीबिल स्केल होता है या फिर उसको मॉडिफाइड करके एक और स्केल बनाया गया है जिसको डेसीबिली बी ए से डिनोट करते हैं जिसको हम ज्यादातर हाई पिच साउंड्स के लिए यूज करते हैं तो नॉइज पोल्यूशन जो होता उससे एफेक्ट्स है उससे इफेक्ट्स क्या आपकी होती हैं बहुत ज्यादा हो तो हेरिंग लॉस आपका सुनने की जो सकत है वो कम हो जाती है और इससे जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होती हैं बॉडी के ऊपर इंसान के बॉडी के ऊपर स्ट्रेसिस तो उसके अंदर क्या इंक्लूड है आपके हार्ट बीट इंक्रीज होना मसल uh, कंट्रेक्शन हो गया आपका फिर आपके क्या कहते हैं खून ब्लड प्रेशर का इंक्रीमेंट होना ये सारी बीमारियां ना माइग्रेन हो गया आपका हेडिक माइग्रेन हेडिक हो गया और डेजीनेस हो गया न्यूजिया हो गया या फिर गैस्ट्रिक की बीमारियां अल्सर की बीमारिया ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है नॉइस नॉइस से noise से पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं असरा होती हैं वो सारी ये चीजें हैं actually, ये सारी बेसिक चीजें इनका सिर्फ हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होती हैं जब आप नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक में जाती हैं तो पिछला इंटरलिंक्ड नहीं होता है, इस वजह से अदरवाइज दिज आर एक्चुअली रेलिवेंट हैं ये मेडिकल से रिलेटेड तो इंजीनियरिंग से इनका इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जिस तरह की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इनका नो हाउ होना इम्पोर्टेंट है और आपके नॉइस के जो सोर्सेज हैं वो हमारे क्या है ट्रैफिक ओबियसली रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है उससे नुआइस आपका होता है एयर ट्रैफिक के नॉइस जो हमारे एयरोप्लेन वगैरह चलती हैं एयरपोर्ट के करीब कोई रहते हैं तो उनके लिए ये चीज काफी अफेक्ट करती है आपके हमसाइगी में जो होती हैं अगर आप जैसे किसी फैक्ट्री के आसपास आपका घर है या फिर इसी तरह की कि किसी भी नोइस जनरेट करने वाले किसी चीज के करीब आपका घर है वहां पर आप रहते हैं तो फिर ये आपके नाइबरहुड माएंगे फिर रेल ट्रैफिक नॉइसिस ऑक्यूपेशनल ये सारे आपके सोर्स हैं नोइस के तो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया उसके इफेक्ट्स डिस्कस किए और नॉइस के भी तरह हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी में डिस्कस किए अब हमारा रहता है वाटर से रेलिवेंट तो वाटर से रेलिवेंट हमारा मेन कोर्स ही वाटर से रेलिवेंट है तो हम लोग सेकंड लेक्चर से वाटर को लेके आगे जाएंगे और आगे सारे लेक्चर हमारे वाटर से रेलिवेंट ही होंगे क्योंकि हमारा कोर्स या हमारा टॉपिक ही वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट तो ये इंट्रोडक्ट क्लास में सिर्फ हमने समझने के लिए किया कि के ना, अंदर हमारे क्या क्या-क्या अंदर चीजें होती हैं और वाटर के साथ और कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं तो इस वजह से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया तो आई थिंक यहाँ पे लेक्चर वन को हम लोग क्लोज करते हैं तो इनशाला तरफ जाएंगे टिल गुड बाई इन नेक्स्ट लेक्चर